नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम माँ। नवरात्र के चौथे दिन माँ के किस स्वरूप का पूजन करें, नवरात्र के चौथे दिन रोगों से मुक्ति के लिए और लंबी आयु को प्राप्त करने के लिए आप क्या उपाय करें, कैसे आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा, राशि अनुसार आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आप क्या उपाय करें, किस राशि के लोगों के लिए आज ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम माँ। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से इस ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। तो माँ कुष्मांडा की पूजा से बहुत सारे फायदा होते हैं, वो बताएंगे आपको। लेकिन पहले ये जानिए माँ कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है। देखिए, माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। माँ के हाथ में धनुष, बाण, गदा, कमल, पुष्प, अमृत कलश और जप माला है। माँ कुष्मांडा का वाहन शेर है। आइए अब आपको बताते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। तो आप बड़े मन से माँ कुष्मांडा का पूजन करें। तो देखिए, यदि आप विधि विधान से अच्छे मन से माँ कुष्मांडा का पूजन करते हैं, तो माँ कुष्मांडा के पूजन से समस्त रोग दूर होते हैं। तो यदि आपको किसी भी तरह की बीमारी है, रोग परेशान कर रहे हैं, तो माँ कुष्मांडा का पूजन नवरात्र के चौथे दिन अवश्य करिए। जो लोग माँ कुष्मांडा की उपासना करते हैं, अच्छे से पूजन करते हैं, उनको लंबी आयु प्राप्त होती है, यश मिलता है, बल मिलता है। तो आप भी माँ कुष्मांडा से लंबी आयु प्राप्ति का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाती हैं और जो है भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। तो यदि आप सच्चे मन से थोड़ा भी समय निकाल करके माँ का पूजन करेंगे, तो माँ जो है आपकी पुकार सुन लेंगी। अब आइए आपको सरल तरीके से समझाते हैं कि कैसे आप माँ कुष्मांडा का पूजन करें, बिल्कुल कम समय में, सरल तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि सुबह स्नान ध्यान कर लीजिए। उसके बाद जो आपने पूजा का स्थान बना रखा है, वहाँ बैठ करके माँ के स्वरूप का ध्यान करें और फिर माँ को तिलक लगाएं, रोली का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और यदि आपको कोई मंत्र आता है तो उस मंत्र का जाप कर लीजिए। फिर क्या करना है आपको कि दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद आप आरती करिए और आरती करने के बाद भोग लगाइए। भोग लगा करके प्रसाद सबको बांटिए और जो कुछ भी आप माँ से मांगना चाहते हैं, आरती के बाद जब आप माँ को प्रणाम करें, उस दौरान माँ से निवेदन करिए, माँ आपकी पुकार सुनेगी। आइए आप जानते हैं कि सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं नवरात्र के इस पावन अवसर पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को उन्नति के नए अवसर मिलेंगे, यानी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। काम का बोझ रहेगा जो कि मानसिक तनाव दे सकता है, तो आपके लिए सलाह ये है कि टेंशन से बचें, टेंशन फ्री होकर के काम करते रहिए और ये जो अच्छा समय है इसका लाभ उठा लीजिए। मेष राशि वाले क्या उपाय करें, देखिए आप क्या करें कि 3 कन्याओं को पढ़ने लिखने की सामग्री दान करें। पढ़ने लिखने की सामग्री क्या हो सकती है, स्टेशनरी क्या हो सकती है कि आप उन्हें कॉपी दे दीजिए, पेन दे दीजिए या उनकी ज़रूरत की कोई किताब है तो उन्हें दान कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि कन्याओं में देवी का वास होता है, तो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए मेष राशि वाले ये उपाय कर लें। आइए अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। वृष राशि वाले अपने से उम्र में जो बड़ी महिलाएं हैं, जो आपके घर परिवार में जो आपसे उम्र में बड़ी महिलाएं हैं, उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के घर से निकलिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि अचानक धन लाभ हो सकता है, अचानक आपको पैसा कहीं से मिल सकता है। सलाह ये है कि अपने खर्चों को कंट्रोल में रखिए। यदि एक्सपेंसेस इसी तरह से बढ़ते रहे तो बाद में धन संबंधी परेशानी हो सकती है, इसलिए अपने खर्चों को काबू में रखने का प्रयास करिए। उपाय आप क्या करें, देखिए आप माँ दुर्गा के मंदिर जाइए जो आपके घर के पास हो और वहाँ माँ को एक नारियल अर्पित करिए और जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं, जो निवेदन करना चाहते हैं माँ से करिए, माँ आपकी पुकार सुनेगी। बारी आ गई अब मिथुन राशि वालों की।
मिथुन राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि परिवार में कलह हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, इसलिए आप बिल्कुल शांत रहिए, घर में परेशानी को बढ़ने ना दें। और हाँ, आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे मतभेद ना बढ़ने दें। किसी बात को लेकर के यदि मतभेद बढ़ रहे हैं, बहस हो रही है, तो अपनी तरफ से पॉजिटिव होकर के सुलझाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप उपाय क्या करें? देखिए, आपके लिए सलाह ये है कि आप माँ दुर्गा का पूजन करें और कन्याओं को केले का प्रसाद बांटें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। बारी आ गई अब कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि देखिए, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, समय आपके लिए अनुकूल है, जो भी बड़ा काम करें उसमें अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह को अवश्य शामिल कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, किसी को पैसा उधार ना दें, क्योंकि यदि आपने पैसा उधार दिया तो आपका पैसा फंस सकता है। आप उपाय क्या करें? आप व्रत वाले चावल जो मिलते हैं बाजार में वो ले आइए और उसकी खीर बनवाइए, और खीर बनवा करके माँ दुर्गा के मंदिर में जो आपके घर के आसपास हो वहाँ ले जा करके पहले माँ को भोग लगाइए, इसके बाद प्रसाद के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांट दीजिए तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। बारी आ गई अब सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए सितारे संकेत दे रहे हैं कि आपके लिए विदेश जाने के योग बन रहे हैं, तो यदि कहीं बाहर जाने का प्लान है तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। परिवार में खुशहाली बढ़ेगी, समय आपके लिए अनुकूल है। उपाय आप क्या करें कि अपने घर के पास जो भी मंदिर है वहाँ जाइए और धूप ले लीजिए, जो धूप अगरबत्ती हम जलाते हैं तो धूप के पैकेट ले लीजिए और माँ के मंदिर में अर्पित करिए तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई अब कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले अपने व्यवहार में नम्रता रखें, थोड़ा सा व्यवहार विनम्र रखिए, और हाँ, जीवन साथी की सलाह लें और उनकी सलाह से काम करें तो आपको फायदा होगा, आपके काम बनेंगे। आप उपाय क्या करें? आप माँ दुर्गा के मंदिर जाइए और एक अच्छी सी चुनरी माँ के चरणों में अर्पित करिए तो आपके लिए शुभ रहेगा, माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। बारी आ गई अब तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे, यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके लिए ये समय अनुकूल है। उपाय आप क्या करें? आप माँ दुर्गा के मंदिर जाएं और अच्छे क्वालिटी के पेठे का प्रसाद माँ को अर्पित करें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांट दें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। बारी आ गई अब वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और सितारे आपके लिए संकेत दे रहे हैं कि किसी भी काम में जल्दबाजी से बचिए, सोच समझ करके डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। कार्यों में जो बाधाएं आ रही हैं उनसे आपको डट करके मुकाबला करना है, उनसे घबराना नहीं है, और हाँ, ध्यान से हर कार्य करिए तो आपको सफलता मिलेगी। आप क्या उपाय करें? आप माँ दुर्गा के मंदिर में मेवे का प्रसाद अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, माँ के आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे। बारी आ गई अब धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि देखिए, आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति ये कह रहा है कि फैसले लेने में बहुत ज़्यादा देरी ना करें, और हाँ, अपने मन की बात सबसे ना कहें। कई बार हम अपने मन की बात कह देते हैं तो उससे हमें नुकसान भी हो जाता है, इसलिए अपनी मन की बात सबसे शेयर करना ठीक नहीं होगा। उपाय आप क्या करें? आप माँ दुर्गा के समीप बैठ करके अपने घर में जो मंदिर बना रखा है वहाँ बैठ जाइए, या किसी मंदिर में चले जाइए, वहाँ बैठ करके दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई अब मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, आप उनका लाभ उठाइए, तो समय आपके लिए अच्छा है। इस अच्छे समय का आप कितना अच्छे तरीके से लाभ उठा पाते हैं ये आप पर निर्भर है, तो खूब मेहनत करिए और आगे बढ़िए। उपाय आप क्या करें? नवरात्र के इस पावन अवसर पर आप माँ दुर्गा के मंदिर जाएं और 1 किलो मिश्री का प्रसाद वहाँ पंडित जी को दे दीजिए कि जो लोग आते हैं माँ के दर्शन के लिए उनको प्रसाद के रूप में बांटते रहें तो आप देखेंगे माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बारी आ गई अब कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है और सितारे आपके लिए संकेत दे रहे हैं
कि मित्रों के सहयोग से आपके जो अधूरे काम पड़े थे वो पूरे हो सकते हैं। तो जो भी अधूरे काम हैं उनको इस समय पूरा करने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखिए, किसी को पैसा उधार ना दें तो अच्छा रहेगा। उपाय आप क्या करें, आप माँ दुर्गा के मंदिर जाएं और अच्छे क्वालिटी का इत्र लेकर के जाएं और माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें तो आपके लिए शुभ रहेगा, माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। बारी आ गई अब मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन संबंधी जो परेशानियां थी वो धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी, आपका मान यश और बढ़ेगा, काम में थोड़ा सा और मेहनत करिए, इस अच्छे समय का फायदा उठा लीजिए। उपाय आप क्या करें, नवरात्र के इस पावन अवसर पर आप माँ दुर्गा के मंदिर जाएं और रेड कलर की, लाल रंग की सुंदर सी चुनरी माँ के चरणों में अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, आपके जीवन की परेशानियां माँ भगवती दूर करें और आपका दिन बहुत शुभ हो, बहुत अच्छा बीते। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, जय माँ दुर्गा।